5 साल थे और जनता के काम किए, और जो जीता था इससे पहले उन्हें कोई काम ऐसा जनता का काम नहीं किया। कहीं गाली बनाई हमने, पत्थर डाले और रोटे भी डाली अभी बाट के अंदर, बाट लंबा 10 में मतलब अपने पैसे वो डाल रहे हैं अपने पैसे तो डाली, राट लेटे लाई भी हैं तो हम काम कर रहे हैं बाट में 10 में। मतलब आपका काम ऐसा लगता है जैसे जो आप गाँव में काम करते हैं, क्योंकि आप पहले भी प्रधान रहे हैं, आपकी पत्नी भी प्रधान है, तो वही भावना है अभी? वही भावना है, हमने समता घाट भी दिया गाँव में अपने, और 3 बीघा जमीन हमने दी दान में। हम आ रहे हैं आपके शहर में, आपके बीच, आपकी आवाज बनने, क्योंकि रुहेलखंड समाचार लाया है आपकी आवाज बनने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम कि आपका शहर, आपका वार्ड किसके तरह है, क्या सफाई व्यवस्था है, क्या पक्की नालियां हैं, क्या पक्की सड़कें हैं, क्या किया है आपके मेंबर ने काम, क्या नगर पालिका अध्यक्ष ने। हम दिखाएंगे अपने कैमरे में कैद हर वो तस्वीर जो आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, इसीलिए रुहेलखंड समाचार लाया है कार्यक्रम आपका शहर, आपका वार्ड। इस बार किसके सिर सजेगा ताज? वार्ड नंबर 10 से एक ऐसा चेहरा जो लोगों की हमेशा सेवा करता रहा है, और आज उसे फिर एक बार उसने ताल ठोकी है वार्ड नंबर 10 से, जिनका चुनाव चिन्ह जो भी है वो बताएंगे, और किन मुद्दों के साथ वो वार्ड में लड़ रहे हैं वो भी उनसे पूछते हैं। और राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले बब्बू घोसी, आइए उनसे बात करते हैं। बब्बू जी, जो आप वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्या वजह हुई? क्योंकि आप तो बाकायदा शुरू से सेवा करते आए लोगों की, चाहे गांव हो या शहर हो। हमने काम भी किए और जनता के बीच में रहे 5 साल से, और जनता के काम किए, और जो जीता था इससे पहले उन्हें कोई काम ऐसा जनता का काम नहीं किया। कहीं गम है, कहीं खुशी है, तो उन्हें चूना ने भी डाला तो वो भी नहीं आया, वो भी जनता ने अपने पैसे से डाला और अपनी सेवा करी। गंदगी बाट के अंदर, कोई खूबसूरती नहीं, और हम ये चाहते हैं कि बाट पे यूँ आए। हमने कहा यार बाट के अंदर काम करेंगे, नालियाँ बनाएंगे, हमने नालियाँ बनाई, हमने पत्थर डाले और रोटे भी डाली अभी बाट के अंदर, बाट लंबा 10 में। मतलब अपने पैसे वो डाल रहे हैं? अपने पैसे तो डाली, राट लाइटें लगाई अपने पास से, और लोगों को बाट वासियों को सबको ये दिखा दिया कि देखो हम नहीं भी हैं तो हम काम कर रहे हैं बाट में 10 में। मतलब आपका काम ऐसा लगता है जैसे जो आप गाँव में काम करते हैं, क्योंकि आप पहले भी प्रधान रहे हैं, आपकी पत्नी भी प्रधान है, तो वही भावना है अभी? वही भावना है, हमने समता घाट भी दिया गांव में अपने, और 3 बीघा जमीन हमने दी दान में, उसमें जो जनता ने हमें ऐसा चुना कि 622 वोटों से हमने चुना, और बड़ा अच्छे वोटों से स्वागत किया हमारा। हम ही चाहते हैं बाट लंबा 10 से भी जनता ऐसी हमें दे, और हमारे लिए हमें सबका साथ सबका विकास चाहिए। अच्छा बब्बू भाई, मान लीजिए आपके खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट भी होगा, तो क्या वो कोई असर डालेगा आप पर? हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ लिया, हमारे रेंज में है ही नहीं कोई बीजेपी से। आपके विकास काम इतने विकास में है, हनी भैया से हमारा है और हम पार्टी में हैं, हम अपनी जगह खड़े हो रहे हैं, वो अपनी जगह है, जो हमारी विचारधारा में सबूत है और जो हमें जनता चाहती है वो दिल से, वो हमारे साथ है। अच्छा, आप जीत जाएंगे तब भाजपा में चले जाएंगे? बस भाजपा में ही है, भाजपा के आदमी हैं और भाजपा के सैनिक हैं। ये थे बब्बू घोसी, जिन्होंने कहा कि मैं बिना मेंबर के भी मैंने इस वार्ड की बहुत सेवा की है, लाइटें लगाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, और बहरहाल अगर मौका दिया मुझे क्षेत्रवासियों ने तो एक बार फिर मेरा वार्ड उत्तम वार्ड कहलाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।